रेलवे को निजी हाथों में देने का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी में भी सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की छात्रों ने, छात्रों की मांग थी कि रेलवे को निजी हाथों में नहीं दिया जाए और सरकार अपने इस फैसले को तत्काल बदले। छात्रों की यह भी मांग थी कि जो रेलवे की बहाली रुकी हुई है उसे तत्काल जारी करे केंद्र। हम लोग कारगिल चौक पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग का मामला ये है कि मोदी सरकार को, हम लोगों ने मोदी जी के नाम पे 40 में से 39 सीट बिहार के युवाओं ने दिया, जिताने का काम किया। और आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करने का लालच देके युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। 3.5 लाख से ज्यादा पोस्ट रेलवे में खत्म कर दिया गया है और रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, यानी कि युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है। और रेलवे में जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनका भी किसी न किसी बहाने खत्म किया जा रहा है जॉब। हम लोग का डिमांड यही है कि रेलवे का निजीकरण बंद कीजिए और जो वैकेंसी आप खत्म कर रहे हैं रेलवे का लगातार, उसको बहाल कीजिए, नहीं तो हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। और एक भी रेलवे, अगर प्राइवेट रेलवे बिहार में चला के दिखा दे, हम लोग नहीं चलने देंगे, पटरी उखाड़ देंगे। रेलवे में नहीं प्राइवेट चलने देंगे। निजीकरण बंद करो।